नाज़रीन, सियासत और कानून के साथ मुहीद पीरज़ादा और बाबर सत्तार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, इस हफ्ते दो बाय इलेक्शन के रिजल्ट आए। पंजाब में खुशाब, खैबर पख्तूनख्वा में हरिपुर। एक जगह पीएमएलएन बहुत भारी अक्सरियत से कामयाब हुई, दूसरी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़े लीड थी। लेकिन ये कोई खबर नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। जो चीज़ अहम है, जो ट्रेंड है, जो बहुत दिलचस्प है, वो यह है कि 2013 के आम इंतखाबात के बाद जितने भी बाय इलेक्शन के रिजल्ट निकले हैं, उसमें या तो पीएमएलएन कामयाब होते नजर आती है बड़ी भारी अक्सरियत से, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें तीसरे नंबर की पोजीशन पे भी नजर नहीं आती। कई जगहों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छठे, सातवें, आठवें नंबर पे नजर आती है, और वोट डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। अगर पीएमएलएन 70-80 हजार वोट लेती है, अगर पीटीआई 60-70 हजार वोट लेती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3-4 हजार 5 हजार वोट लेती है। ये क्या ट्रेंड है पाकिस्तानी सियासत का, इसकी आने वाले दिनों के लिए क्या अहमियत है? और अब जबकि हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे हैं और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन, अपने आप को जो लॉन्च करने का, इलेक्शन कैंपेन तो नहीं, जो अपने आप को वो लॉन्च कर रहे हैं सियासत के अंदर, वो सिंध फेस्टिवल से, सिंध से कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सिंधी जमात बनने का फैसला कर लिया है? ये वो बुनियादी सवाल है, और इसके साथ नथी बहुत से सवाल हैं जिन पे आज इस प्रोग्राम में हम बहस करेंगे। बाबर, क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, एक तो जो बाय इलेक्शन है उनका एक अपना डायनामिक होता है मेरी नज़र में। सो इस बेसिस पे कि एक मेन इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन के 7-8 महीने के अंदर अंदर एक बाय इलेक्शन हो गए हैं, उसका रिजल्ट जाहिर है उसके करीब करीब होगा। स्टेटस को प्रो स्टेटस को होता है बाय इलेक्शन आमतौर पे, फिर इतना वोट डिफरेंस। हाँ नहीं, लेकिन जब ओरिजिनल जब लड़ाई मेन स्ट्रीम पार्टीज जो निकली मेन इलेक्शन के अंदर, वो पीपीपीटीआई और पीएमएलएन थी, तो पीपीपी ने तो बाय इलेक्शन में नहीं, खुर्रम बटू जीते, एक खुर्रम बटू जीते जीते। सो इस तरह हिना, की हिना, हिना, हिना रबानी खर के वाले साहब भी, वाले साहब भी जीते, उसके अलावा गुलाम अहमद बिलोर साहब जीते। नहीं, गुलाम अहमद बिलोर तो पीपल्स पार्टी में नहीं है। नहीं, एएनपी। हाँ, लेकिन जो एक हारे हुए पार्टीज थी, पिछली गवर्नमेंट का पार्ट थी, उनके कुछ इंडिविजुअल्स जीते जो मजबूत थे, लेकिन बाय एंड लार्ज तो वही रिजल्ट आना था जो जिस पार्टी ने सीट जीती है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इतना एक डिमाइस हुआ है, जो इतना इसका डाउनफॉल हुआ है, ये वो जमात है जिसका जोश, वलवला, अजम, यानी पाकिस्तान की तारीख से की जो सबसे पुरअजम जमात, सबसे बड़ी जमात, सबसे वालेहाना किस्म की जो जमात है जिसका इतना इम्पैक्ट रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, वो इतनी कमजोर शक्ल में क्यों नजर आती है? डॉक्टर साहब, इतनी गालियां हमने निकाली है 5 साल में, मीडिया ने भी, जुडिशरी ने भी बड़ा इन्हें लताड़ा पीपीपी को, मजीद अब क्या। लेकिन तजिए के लिए जाहिर है, एक तो कैरिज्मेटिक लीडरशिप नहीं थी बेनजीर भुट्टो के जाने के बाद, कैरिज्मेटिक लीडरशिप नहीं थी। जरदारी साहब, आप उनके हामी हैं, उनके खिलाफ है वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत ही हेटेड कैरेक्टर है पाकिस्तान की। उसमें आप किसी को कह देते हैं कि जी जरदारी साहब को आप सपोर्ट करें, तो एक जो हमारी मिडिल क्लास के अंदर एक बड़ा सीरियस बायस है आसिफ अली जरदारी के। फिर ये कि जो शकूक थे, उस बायस ने फिर वोटर को इफेक्ट किया? नहीं किया ना, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस को जो 5 साल इफेक्ट किया, यानी इनकैपेसिटी भी थी, किया भी कुछ नहीं मुल्क में, गवर्नेंस के परस्पेक्टिव से करप्शन भी बहुत ज्यादा थी। सो करप्शन और इनकॉम्पिटेंस दोनों का एक ऐसा हसीन इम्तजाज था कि हुआ ही कुछ नहीं मुल्क में, और उसी तरह से वो 4-5 साल वो चलते रहे, और चलते भी डील्स के ऊपर ही रहे कि इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, हरे को शामिल कर लिया। जो पॉलिटिकल डील्स की मीडिया, जुडिशरी और पीएमएलएन में जो एक नेक्सस इमर्ज हुआ, एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप इमर्ज हुआ, पंजाब हुकूमत को मीडिया ने ज्यादा रगड़ा नहीं पूरे 5 साल, और जुडिशरी जो है वो मसलसल पीपीपी के खिलाफ मुख्तलिफ फैसले करती रही और पीपीपी डिफेंसिव पे रही, ये कितना इंपॉर्टेंट है? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में देखें, अब हम देखते हैं कि पीएमएलएन के खिलाफ भी एक वो जो आखिरी 6 महीने थे इफ्तिखार चौधरी साहब के, पीएमएलएन के खिलाफ भी फैसले आ रहे थे, तो एक तो नेचुरल मिजाज है ना मुल्क का, यानी हम भी बैठ के अगर गवर्नमेंट की बड़ी तारीफ करना शुरू कर दें तो लोग हमें भी गालियां निकालेंगे कि आप क्या मिनिस्ट्रियां चाहते हैं क्या। सो गवर्नमेंट के खिलाफ तो हमेशा, चूंकि गवर्नमेंट इतने मसले हैं इस मुल्क के, गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही होती आमतौर पर, उसके खिलाफ तो एक होता ही है मिजाज, और ये बैठे हुए थे पंजाब में। सो और वहां पर कंपेरेटिवली बेहतर गवर्नेंस थी, सेंटर में आपको कुछ भी होता नहीं नजर आता था। लेकिन मेरे ख्याल में एक जो बात हमें नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि एक आइडियोलॉजी थी पीपीपी की,
वो आइडियोलॉजी एक तो इकोनॉमिक्स के ऊपर थी कि जनाब सोशलिज्म वाली चले, वो तो एक दुनिया में खत्म कम हो गई तो इनकी भी कम हो गई। दूसरी बात फिर एक था कि ये सेंटर लेफ्ट की पार्टी थी, इनका रिलीजन के ऊपर, इनका लिबरलिज्म के ऊपर, एक जो एक सोशल लिबर्टी है उसके ऊपर इनका एक व्यू था। वो जो इनकी आइडियोलॉजिकल एक लीनिंग थी वो हमें पिछले 5 साल में कहीं नजर नहीं आई। बाबर, ये आपसे मैं एग्री करता हूँ जो आपने जरदारी साहब के हवाले से कहा, मुझे कई दफा बड़ी जरदारी साहब से हमदर्दी भी होती है। पता नहीं वो इतने बुरे थे, उनकी सियासत इतनी बुरी थी या नहीं थी, लेकिन एक ऐसा है कि उनकी एक रेपुटेशन जो है वो पाकिस्तान में गुज़श्ता समझे पूरे 15 बरस से मीडिया ने इतनी गंदी कर दी, इतनी ख़राब कर दी कि वो एक लाइबिलिटी बन गए पीपल्स पार्टी के लिए, और अब बिलावल भुट्टो के लिए भी वो एक लाइबिलिटी। मीडिया का ही कसूर होगा डॉक्टर साहब। हाँ, मीडिया का भी कसूर के अलावा भी इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट मैं समझता हूँ वो ये है कि, और मैं 2007 से ये कह भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, कोई किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया कि मैं इसका मौजूद हूँ इस पूरी टर्म का, मीडिया बेल्ट पाकिस्तान में जैसे अमरीका में एक बाइबल बेल्ट है जहाँ पर बहुत इन्फ्लुंस है कंजर्वेटिव्स का, पाकिस्तान एक मीडिया बेल्ट मारज़े वजूद में आ गई। वो कौन सी बेल्ट? देखें आप, देखें वो तमाम जगह जहाँ पे टेलीविजन और केबल जो है उसकी रीच बहुत ज़्यादा है, और जहाँ अखबारात सुबह सुबह पहुँच जाते हैं, मैगजीन पहुँच जाते हैं, यानी जीटी रोड के करीब जितने भी शहर हैं, जब आप पेशावर से शुरू करें और आप लाहौर तक आते हैं, लाहौर से आगे मुल्तान तक आते हैं, तो एक ऐसी मीडिया बेल्ट बन गई जिसमें मैं समझता हूँ अंदरून सिंध उसकी जद में नहीं आई, और सरायकी बेल्ट में भी ये मीडिया बेल्ट उतनी डीप नहीं है। लेकिन ये जितनी मीडिया बेल्ट है इसमें मीडिया ने इतना प्रोपेगेंडा किया, इतना नैरेटिव शेप किया नेगेटिव सरदारी साहब के बारे में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, करप्शन में, जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन गलत किया। देखें एग्जैजरेटेड मैं समझता हूँ किया, बहुत से स्कैंडल शायद सही नहीं थे, परफॉर्मेंस तो थी कमजोर, इसमें कोई शक नहीं है, परफॉर्मेंस कमजोर थी, लेकिन और फिर एक नेक्सस भी डेवलप कर गया। आई थिंक इसमें हमें स्मार्टली पॉइंट्स देने पड़ेंगे कि पीएमएलएन ने मीडिया को बहुत बेहतर मैनेज किया। एक उनको फायदा यह था कि वो चूंकि पंजाब में बैठे थे और फेडरल गवर्नमेंट की बहुत सी चीजों के लिए वो अकाउंटेबल ही नहीं थे, बिजली के लिए, एनर्जी शॉर्टेज और सब, फॉरन पॉलिसी के लिए, अमरीका रिलेशनशिप एंड ऑल दैट, सो पीपल्स पार्टी को मीडिया का ब्रंट बर्दाश्त करना पड़ा। और जब रेस्टोरेशन हुई इफ्तिखार चौधरी साहब की फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट की, तो वो भी बड़ी यानी बेसिकली तो फेडरल गवर्नमेंट की वो बड़ी स्ट्रांग थी जो कोर्ट थी, उसका भी पीपल्स पार्टी को बड़ा नुकसान हो। तो डॉक्टर साहब ये तो हो गया, अब मेरे ख्याल में चले ये तो हो गई सारी हिस्ट्री आ गई, अब जो वो रिवाइवल अपना करने की कोशिश कर रहे हैं और सिंस स्टार्ट कर रहे हैं जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बात की, मेरा ख्याल है उसे भी समझना कि इस पार्टी की स्ट्रेटजी नजर क्या आ रही है आज, अगर है भी कोई क्या स्ट्रेटजी है, और अगर है तो वो है क्या। अच्छा, ये आप डिस्क्राइब करेंगे आपको कोई स्ट्रेटजी नजर आ रही है? मुझे थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटजी तो है किसी हद तक, और वो स्ट्रेटजी ये है कि देखिए नेशनलिस्ट जो है उसने एक ब्रेक ले लें के बाद नाज़रीन ज़रा देखते हैं कि बाबर सत्तार हमें क्या बताते हैं कि पीपल्स पार्टी की और बिलावल भुट्टो की क्या स्ट्रेटजी इनको रिवाइवल की नजर आ रही है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक, देखते हैं बाबर सत्तार हमें बिलावल भुट्टो की क्या स्ट्रेटजी समझाते हैं और समझा भी पाते हैं कि नहीं। जनाब मुझे बिलावल भुट्टो ने नहीं समझाई, मुझे जो बात समझ आ रही है आपको क्या डॉट कनेक्ट समझ। देखिए एक तो सारे मुल्क में तो मार पड़ी ना पार्टी को, ठीक है, सो बेस उनका सिंध रहा, उधर भी हमेशा शक है कि चूंकि इनका होल्ड था सिंध में, इन्होंने कुछ अपनी सीटें इनकी ज्यादा होगी, चले की होंगी, वो तो सारे मुल्क के ऊपर ही शक है ना कि पंजाब में पीएमएलएन ने किया, केपी में उन्होंने किया, जिस वो एक अलहदा बात है कि इलेक्शन सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के क्लेम्स को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब वहां पे अगर पार्टी ने अपने आप को, अगर आप इसी तरह से जाते पसपाई की तरफ जाते रहे और आपको नेशनलिस्ट से थ्रेट भी है, तो एक इलेक्शन तो उन्होंने सस्टेन कर लिया वहां पे, लेकिन अगर वहां पे अपनी बेस को सोलिडिफाई नहीं करते, नेशनलिस्ट से जो थ्रेट है, जो नेशनलिस्ट मुजाहिर कर रहे हैं, जयसन महाज कर रहा है, मूवमेंट कर रही है, आज पोलिटो साहब कर रहे हैं, वो तो बेसिकली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ कर रहे हैं मुजाहिरा। नहीं देखें, अर्बन रूरल की डिवाइड तो बड़ी क्लियर है ना, अर्बन में एमक्यूएम और पीटीआई और पीपीपी, ये थ्री वे है कॉन्टेस्ट, कराची और हैदराबाद जो अर्बन है उसके अंदर तो आपके सिंधी नेशनलिस्ट का इशू नहीं है, बाकी सिंधी नेशनलिस्ट का इशू है मुजाहिरे जिसके मर्जी खिलाफ कर रहे हो, लेकिन Essentially, आपने अपनी सपोर्ट बेस को स्ट्रेंथन करना है। हम देखते हैं बिलावल भुट्टो आके वो अपनी सियासत चमका रहे हैं, वो सियासत चमकाए ना चमकाए वो अपने सिंधी क्रेडेंशियल एस्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि सिंधी लीडर मुकाबला पीपल्स पार्टी से नहीं, बिलावल भुट्टो तो जाहिर है नेशनलिस्ट का, नेशनलिस्ट तो उन्हीं को थ्रेटन करेंगे ना, नेशनलिस्ट, क्योंकि पीपीपी ने इस दफा तो वो रिटेन कर ली अपनी बेस, लेकिन आप उसी के ऊपर बिल्डअप करना चाह रहे हैं, और हमें हमें नजर आ रहा है कि पीपीपी जो है वो डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स है वो भी कर रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं कि मलिक रियाज साहब भी सिंधियों में अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। जो डाउनसाइड है वो ये है कि वही टीम जिसने नहीं डिलीवर किया पाकिस्तान में पिछले 5 साल में, जरदारी साहब की अंडर कमांड वही टीम सिंध की गवर्नमेंट चला रही है इस वक्त। अपसाइड क्या है कि बिलावल भुट्टो न्यू फेस,
एक लिजिटिमेसी, आप जो मर्जी कहें कि जी एयरलूम था पार्टी, आपने इनहेरिट कर ली पार्टी, वो जो मर्जी कहें वो अपनी जगह पे, लेकिन एक जेन्युइन सेंस जरूर है कि ये हमारा एक लीडर है जो पीपीपी का ज्याला है, उसकी एक जेन्युइन सेंस। बिलावल की स्ट्रेटजी क्या है इस सिंध फेस्टिवल से, क्या स्ट्रेटजी आपको? देखिए ना डॉक्टर साहब, एक तो ये एक तो ये कि आप वो सिंधी प्राइड को, अब नैरेटिव क्या कहां पे है, कल्चरल नैरेटिव तो खत्म हो गया इस मुल्क में, सारा नैरेटिव ही रिलीजियस है। आप ये कह रहे हैं कि जनाब एक रूट्स थी इस जगह की, हम यहां के लोग हैं, यहां के पले बड़े हैं, तो अगर आप कल्चर को एम्फोसाइज करते हैं तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है जो आपका रिलीजियस नैरेटिव है उसके अगेंस्ट। इनकी आइडेंटिटी चूंकि सेंटर लेफ्ट है इसलिए वो कल्चर की बात कर रहे हैं कि जनाब हमारी एक प्राउड ट्रेडिशंस हैं, हम ये लोग हैं, और ये नहीं है कि यहां पे हम एक अरसे से यहां पे रहते हुए आ रहे हैं। सो मेरे ख्याल में उनका जो और बिलावल भुट्टो का करेगी स्ट्रेटजी, मेरे ख्याल में इस वक्त एक वाहिद आप लीडर कहें, नौजवान लीडर कहें, जो मर्जी कहें, बिलावल भुट्टो जरदारी वो वाहिद किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं जो बड़े क्लैरिटी के साथ टेररिज्म के ऊपर बात की है जिन्होंने। आप ठीक है, मैं क्रिटिसिज्म मुझे पता है कि जनाब ट्विटर पे बैठ के कमरे में बैठ के एक ऐसा शख्स जिसकी मां को टेररिस्ट ने मार दिया हो, जिसे पता है कि मैं मार्क्ड हूं, मेरी पार्टी भी मार्क्ड है और मैं जाती तौर पे भी मार्क्ड हूं, उसके लिए इतनी क्लियर पोजीशन लेना कि ये हमारी पोजीशन है और हम इसके ऊपर कायम हैं, ये मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म अपनी जगह, लेकिन ये इसकी जरूरत की बात तो यानी कि लगती है ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन इसमें एक पोलिटिकल सेंस भी है। बिलावल भुट्टो के ट्विटर अकाउंट को मैं भी फॉलो करता हूँ और मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल्स आपको दे दूँ कि 1,48,000 लोग जो है इस अकाउंट पे है, 361 लोगों को ये खुद फॉलो करते हैं और स्क्रीन पे भी आ जाएगा, और 4,000 से ज्यादा ये ट्वीट्स अपने कर चुके हैं। इन्होंने गुज़िश्ता 2 हफ्ते में जो ट्वीट्स की हैं उसका जो फोकस रहता है वो दहशतगर्दी के खिलाफ रहता है, तालिबान के खिलाफ रहता है, मॉडर्निटी की उसमें से एक बू आती है, प्रो वेस्ट एक फीलिंग। बू क्यों, आप बू क्यों कह, मतलब जो एंग्री कह सकते हैं, मैं आपको फर्क बताऊंगा ना, बाकी जैसे मरियम नवाज शरीफ जो है उनकी ट्वीट्स किस किस्म के हैं, तो ये एक थोड़ा सा प्रो वेस्टर्न किस्म की इनमें समझ आती है, और बाकी ये इमरान खान को रेडिक्यूल करते हैं। तालिबान वाला इंटरेस्टिंग, लेकिन क्या यानी प्रो टेरर, अगर आप टेररिज्म के खिलाफ हैं तो आप प्रो वेस्ट हैं? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि बिलावल डायरेक्टली हिट करते हैं इमरान खान के ऊपर, मजाक उड़ाते हैं, एक तो ऐसी उनकी मैंने ट्वीट्स देखी हैं कि वो कहते हैं इमरान को आजाद करने की जरूरत है, बेचारा इमरान, सॉर्ट ऑफ थिंग लाइक दैट। लेकिन इसमें एक सेंस है, इसमें एक पॉलिटिकल सेंस है, ये कोई खासी यानी मजाक की बात नहीं है, खाली पॉलिटिकल सेंस ये है कि तमाम सियासी जमातें जो पीटीआई, क्योंकि पीपल्स पार्टी को यह पता है कि जिस जमात ने उनकी सियासत को डिस्प्लेस किया है पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पूरे मुल्क में धक्का दिया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पीएमएलए ने तो अपने वोट बैंक से हैंग किया, बल्कि अपना वोट बैंक बढ़ाया है, पीएमएलए ने नहीं पीपल्स पार्टी का वोट तोड़ा। तो अब इमरान खान की जो कमजोरी सबको नजर आती है बिलावल समेत, वो ये है कि इमरान, डॉक्टर साहब ये अजीब बात नहीं है कि एक तरफ, समझा दूं थोड़ा सा कि इमरान खान, इमरान का अलायंस जमात इस्लामी के साथ है और आप कह रहे हैं कि सेंटर लेफ्ट की पार्टी का उन्होंने वोट, इमरान की जो कमजोरी सबको नजर आती है वो ये कि जी प्रो तालिबान है, ये दहशतगर्दी पे स्ट्रॉन्ग पोजिशन नहीं है, इमरान कंफ्यूज्ड है, इमरान क्लियर नहीं है। बिलावल के ट्वीट्स में से आपको बार बार इसी किस्म की मैसेजिंग जो है आपको नजर आती है। देखें एएनपी की लीडरशिप भी इमरान के बारे में कहती है कंफ्यूज है, जो जनरल इमरान के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि करप्ट है, इंटेग्रिटी नहीं है, बिका हुआ है, अमेरिका का एजेंट है, उसकी ये वीकनेस जो है वो नजर आती है। जैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में जो सारी क्रिटिसिज्म आ रही है, क्यों मौलाना फजलुर रहमान तो कहते रहे हैं कि यहूदी एजेंट हैं, ये हैं, वो हैं, वो तो यानी कोई नहीं कह सकता कि बात नहीं है, कुछ लोग वो भी कहते हैं, यानी वो तो हमारी पॉलिटिक्स के अंदर एक दूसरे को गालियां निकालना इस तरह की बातों पे जो इररिलेवेंट होती है। अच्छा इंटरेस्टिंग, आई एम सो ग्लैड कि आपने पॉइंट उठाया। देखिए मौलाना फजलुर रहमान जब कहते हैं ना कि इमरान यहूदी है, इसकी बीवी ऐसी और फलां सारे, वो अपना एक पर्टिकुलर किस्म का, उनका जो खैबर पख्तूनख्वा का या वहां का एक वोट बैंक जाहिर है, लोकल पॉलिटिक्स है, उसके अंदर वो चीज बिकती है, मतलब पंजाब के वोटर के लिए और सिंध के वोटर के लिए और कराची के वोटर के लिए और पेशावर के वोटर के लिए कोई ज्यादा रेलेवेंट किस्म का ये नहीं है। ज्यादा चीज रेलेवेंट जो इमरान को हिट कर रही है कि भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, डिसाइसिव नहीं है, तालिबान पे एक्शन नहीं होने देता, कंसेंसस नहीं होने देता। लेकिन डॉक्टर साहब आप नेशनल जो शिफ्ट है वो भी तो देखें ना, आइडियोलॉजिकल डिवाइड क्या थी इससे पहले, सेंटर राइट पीएमएलएन और बाकी पार्टीज, रिलीजियस पार्टी, सेंटर लेफ्ट पीपीपी, और डिवाइड और इलेक्शन क्या होता था, पीपीपी वर्सेस द रेस्ट। अगर थ्री वे हो जाता था तो पीपीपी जीत जाती थी, टू वे होता था तो
पीपीपी हार जाती थी और जो जो भी आईजीआई बनती थी या जो भी चीज बनती थी वो जीत जाती थी। अब पहली दफा एंटी पीपीपी अलायंस था। अब पहली दफा हम देख रहे हैं कि जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड है वो राइट और एक्सट्रीम राइट की है। सो राइट के ऊपर पीएमएलएन नजर आ रही है, एक्सट्रीम राइट के ऊपर आपको फिर पीटीआई अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीम राइट की तरफ चली गई है जमात इस्लामी के साथ। नहीं, पीटीआई को एक्सट्रीम राइट में डालेंगे आप? नहीं, अभी आप जमात इस्लामी के साथ बैठे हैं तो आप क्या करेंगे उनका? गवर्नमेंट चला रहे हैं जमात इस्लामी के साथ, ये आर्गुमेंट आपका ठीक है, ये आर्गुमेंट इस हद तक आपका ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कि पीटीआई का जो सपोर्ट बेस है खैबर पख्तूनख्वा में और जो पंजाब में खास करके, यानी 79% वोट तो उन्होंने पंजाब से लिया, ये राइट ऑफ द बहुत ज्यादा राइट ऑफ द सेंटर नहीं है, वो नेशनलिस्टिक है। उस पर डॉक्टर साहब आ जाते हैं। मैं जो पॉइंट मॉडर्न है, पढ़ा लिखा है, मैं रेज कर रहा हूँ कि पहली दफा बिलावल की क्लैरिटी की वजह से जो राइट और लेफ्ट का फर्क था वो नजर आ रहा है सामने। एक हमारा नेशनल कंसेंसस अभी लग रहा है कि फ्लक्स के अंदर है, चेंज हो सकता है कि हमने टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है, हमने नहीं लड़ना, हमने ऑपरेशन करना है, हमने ऑपरेशन नहीं करना। उसमें जो एक सेंटर लेफ्ट की पार्टी है उसका मिजाज बड़ा क्लियरली वो पेश कर रहे हैं कि जनाब इनके साथ गुजारा नहीं हो सकता, जो लोग हमारे बच्चों को मारते हैं उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग बात क्लैरिटी के साथ मेरे वो एक कॉन्ट्रास्ट, चूंकि बिलावल भी सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव है, मेरे फेसबुक पे कुछ 2.25 लाख लोग हैं इस वक्त। मैंने वहां ये सवाल डाला कि बिलावल तो की लीडरशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उसमें लोगों ने फौरन घंटे में 60-70 कमेंट आ गए कि जी बिलावल भुट्टो तो हम जोकर हैं, कॉमेडियन हैं, मजाहिया हैं, हम उनको सीरियसली नहीं लेते, उनमें भुट्टो की ये बेनजीर की कोई बात नहीं। फिर मैंने एक सेकंड उसमें मैंने डाला, मैंने कहा देखें 1.5 लाख लोग उनको ट्विटर पर फॉलो करते हैं, बहुत से आप वो फिर किधर से आए और उनका एक एक ट्वीट जो है वो 70-80 दफा रीट्वीट होता है। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आया, उन्होंने कहा जी हम सब भी उसको जो है बिलावल के ट्विटर हैंडल पर हैं, लेकिन मसला है कि ट्विटर हैंडल पर हम जरूर हम एंजॉय करते हैं उनके कॉमेंट्स को, लेकिन हम उनको लीडर के तौर नहीं देखते क्योंकि वो सारी बहादुरी ट्विटर पे बैठ के कर रहे हैं। साहब ये ट्विटर और फेसबुक जो है ये मरवा भी देती है। जनरल मुशर्रफ इसी शौक से लिखा लोगों ने, इसी शौक से आ गए थे कि जी मेरी फेसबुक के ऊपर पता नहीं कितने लोग हैं, कितना हंगामा हो जाएगा जब मैं वापस आऊंगा, बड़े जल्द से जुलूस होंगे। ये बात देखिए इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते, इल्जाम तो लोगों ने बिलावल साहब पे भी लगाया ना, हम इस चीज को तो डिनाई नहीं कर सकते कि पीपीपी इस इलेक्शन में उन्हें जितनी मर्जी मार पड़ी हो, लेकिन पाकिस्तान की एक नेशनल पार्टी है, चारों सूबों में मार पड़ी इस दफा उन्हें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनका अगर वोट बैंक 26% था तो आज जीरो है, ये तो नहीं कह सकते। ट्विटर के ऊपर लोग जो मर्जी कह रहे हो वो एक अपनी जगह पे, सो एक पॉलिटिक्स में उनकी जगह है। सवाल यह है कि क्या ये जो 26% से वो नीचे की तरफ आए हैं, क्या ये वापस बिल्ड कर सकते हैं या ये नीचे की तरफ ही जाती रहेंगे और पीटीआई ने रिप्लेस कर दिया? ये जो पीपल्स पार्टी की पंजाब की लीडरशिप जो सारी वॉश हो गई है, वो जिनके बारे में मीर सकी मीर हमारे उदासी के शायर थे, उन्होंने कहा ना पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप की सारी जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पंजाब की वो सोचती है कि क्या हमारा क्या होगा, हमारा क्या फ्यूचर है। हमारा जो लीडर है जरदारी साहब या बिलावल साहब, वो तो सिंध की यानी पार्टी बना के बैठ गए, इसका भी तो सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब देखे ना, अगर आप जब सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, अगर सिंध से फारिग हो जाएंगे फिर तो बिल्कुल बिल्कुल ही फारिग। एक ब्रेक ले लें, इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हाँ जी, आप कह रहे थे कि स्ट्रेटजी वर्क करेगी, आप समझते हैं स्ट्रेटजी वर्क करेगी? देखें कि बेस को बचाना जरूरी है। हाँ, मेरे ख्याल में उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। बेस को अपना किला मजबूत करें, वहां पे अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, इस दफा कोई डेवलपमेंट करके दिखाएं और अपना वोट बैंक बिलावल वहां से इंट्रोड्यूस हो जाए। कल्चरल आपने एक नैरेटिव दे दिया अपने रिलीजियस नैरेटिव के। पंजाब में क्या करना चाहते हैं? पंजाब में अभी जो मैंने गलत शेर भी पढ़ दिया ना कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने, वो प्रोड्यूसर मुझे बता रहा है कि गलत बोल रहे हैं। लेकिन उसमें काबिले माफी है। मेरा सवाल ये है आपसे, आप एक्सप्लेन करें कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप पंजाब में डेसिमेट हो गई, अगर आप लिस्ट देखें इसकी देखें, राजा परवेज अशरफ साहब उन पे केसेस हैं वो फारिग हो गए, कमर जमान कायरा साहब फारिग हो गए, डॉक्टर फिरदौस आशिक फारिग हो गई, नदीम अफसल चंद फारिग हो गए। डॉक्टर साहब ये दो दफा 90s में भी हुआ ना? अच्छा, दोनों दफा ये हुआ 96-97 में भी तो 18 सीटें ही रह गई थी ना, फिर वापस आ गई पार्टी। अच्छा, सो ये दोबारा भी चीज हो सकती है। मेरे ख्याल में पंजाब में तो ये पीएमएलएन की गलतियों का इंतजार कर रहे हैं। पीएमएलएन की सिंध सिंध में लेकिन अटैक तो ये पीएमएलएन पे नहीं कर रहे, अटैक तो ये पीटीआई सिंध में अपना सपोर्ट बेस बिल्ड करना चाहते हैं। पंजाब और केपी में चूंकि जो हुकूमतें आप उनके खिलाफ जो वो खुद फेल हों,
वहां पे आप उसे बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे और उसमें और कुछ ये अपनी जिसे सियासत है वो करेंगे, यानी प्राइवेटाइजेशन इन्हें पता करने की जरूरत पड़ेगी। ये खुद भी प्लान बना रहे थे, इन्होंने नहीं एग्जीक्यूट किया, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन होगी तो ये बहुत शोर मचाएंगे। लोगों को पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो नीचे जा रही हैं उसमें से लोगों को आपको गोल्डन हैंडशेक्स दें, किसी तरह दे फारग करना पड़ेगा, उस वक्त ये बड़ा शोर मचाएंगे। बिजली का कोई इमीडिएट हल नहीं है, गैस का कोई इमीडिएट हल नहीं है, उसमें कहेंगे देख लें आप इनकी गवर्नेंस। वो चीजें जिसका कि पीएमएलएन हल नहीं निकाल सकती, उन चीजों के अंदर से ये स्पेस अपनी देखते हैं, उनकी वीकनेसेस के ऊपर ये बिल्ड करेंगे। लेकिन अभी तक हमला ये सारा पीटीआई पे करते हैं और ये पीएमएलएन को सपोर्ट करते हैं वॉर अगेंस्ट टेरर में, जैसा कि खुर्शीद शाह साहब ने हमने कल के प्रोग्राम में देखा, ये हमला पीएमएलएन पे नहीं करते। डॉक्टर साहब देखें, एक तो आपका एक नेचुरल अलायंस है, एक एक तरह की मुझे ये लगता है कि कुछ अग्रीमेंट है पार्टीज के अंदर के कुछ रूल्स ऑफ द गेम पे अग्रीमेंट हो गई थी। मिड टर्म पोल्स आपने नहीं मांगने हैं, ये अग्रीमेंट हो गई जब ये 10 साल जिला वतनी में रहे तो इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अग्री कर दिया ना। 5 साल मियां साहब ने मिड टर्म पोल्स की बात की ना, इलेक्शन के बाद धांधली की भी बात हुई तो पीपीपी ने कहा हालांकि बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी जब जब भी आई पिछले 5 साल उनके पास, अभी जब इलेक्शन की धांधलियों की बात हो रही थी इन्होंने कहा हमें मिड टर्म पोल्स नहीं चाहिए। पीटीआई एक नई पार्टी है, वो जो एस्टैब्लिश रूल्स ऑफ द गेम है उन्हें नहीं मानती, वो मिड टर्म पोल्स की भी बात करती है। फिर खतरा यह है कि इंट्रेंच्ड वोट बैंक है पीएमएलएन का, पीपीपी का भी एक अपना वोट बैंक था, पीपीपी का जैसे आपने भी कहा एक जो अर्बन मिडिल क्लास का वोट था पढ़ा लिखा, वो बहुत सारा पीटीआई की तरफ चला गया। अच्छा मैं थोड़ा सा ये जो पीएमएलएन ने और शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा सक्सेसफुल नैरेटिव शेप किया है गुज़िश्ता 5 साल में कि डेंगी हो जाए या 2010 के फ्लड हो जाए या एंडोमेंट हो या लैपटॉप स्कीम हो या बस स्कीम हो, मोटरवे, हेल्थ पॉलिसी, ये जो सारा एक उन्होंने आर्मर खड़ा किया है परफॉर्मेंस का, इसको पीपल्स पार्टी कैसे इसमें सुराख करेगी? डॉक्टर साहब सुराख तो क्या करेंगी पीपल्स पार्टी, हुक्मरान जमात के अंदर तो वैसे ही खुद सुराख हो जाते हैं ना आपकी परफॉर्मेंस। अब इस साल जो गैस की सूरत हाल है वो पिछले साल से खराब है, सो लोगों की इतनी पेशेंस नहीं होती कि वो समझे कि जनाब ये 10 साल का प्रोसेस है, 10 साल बाद गैस मिलेगी, यहाँ पे किसी के पास 10 साल नहीं है। सो जो आज हुक्मरान जमात है उसे आज गालियां पड़ेंगी कि जी बिजली नहीं आ रही, घंटे घंटे बाद फिर से लोड शेडिंग हो रही है, आप कह रहे थे कि हम इतने टाइम में ठीक कर देंगे, गैस भी हमें नहीं मिल रही। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में थे हम फर्स्ट को, जिसमें इसहाक डार साहब ने ब्रीफिंग दी थी कैबिनेट को, वहां मैंने प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछा कि ये गैस का आप क्या करेंगे, उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कहा, उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 2014 को हमारा एलजी टर्मिनल जो एलपीजी का वो ऑपरेट कर जाएगा और हम ये शिप करना शुरू कर देंगे, प्राइस उसकी शायद ज्यादा होगी, उन्होंने सोच रखा है पीएमएलएन ने भी। और मेरे ख्याल में शायद खाकान साहब बहुत ज्यादा कैपेबल मैनेजर हैं और लीडर हैं, सो मुझे कोई शक नहीं है इस बात में। लेकिन इस तरह की बातें लोगों ने पीपीपी के दौर में भी सुनी थी, राजा परवेज अशरफ ने भी ये बातें, और यही फर्क होगा ना कि आपने कुछ वादे किए, अगर तो पीएमएलएन ने डिलीवर करना शुरू कर दिया इन चीजों पे, लोगों को लगा कि ये आपका इलेक्ट्रिसिटी जो पावर का बहरान है, गैस का बहरान है, ये खत्म हो रहा है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा इशू है मेरे ख्याल में, वो हम कल भी बात कर रहे थे, वो टेररिज्म का है। अब देखिए वो इतना इम्पॉन्डरेबल सी चीज है कि ये किस तरफ जाएगी, अगर आप इफेक्टिवली टेररिज्म को मैनेज कर लेते हैं फिर तो आपकी चांदी, अगर आप नहीं कर सकते तो अभी तक पीएमएलएन का क्या था कि पंजाब में एक हद तक उन्होंने अपना कंट्रोल किया हुआ था, आपको याद होगा उनके ऊपर इल्जाम भी लगे जब नईमी साहब सरफराज नईमी साहब को मार दिया गया, तो उसके बाद शहबाज शरीफ का एक बयान आया कि जनाब हम तो आपके खिलाफ नहीं है, आप हमें क्यों अटैक कर रहे हैं, एक तरह की एक प्ली थी कि जनाब पंजाब में तो ये काम ना करें और जहां पाकिस्तान में करते हैं आप करें। फिर लुधियानवी साहब का जब इलेक्शन था, एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पॉलिसी को वफाकी हुकूमत की और जरदारी साहब की पॉलिसी से डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की थी, वैसे बैकफायर वो कर गया बहुत ज्यादा, लेकिन उनका कैसे बैकफायर कर गया किसी हद तक ना, इलेक्शन में उनके ऊपर उस तरह से अटैक्स हुए, इलेक्शन से पहले आपको याद होगा कि टीटीपी ने कहा कि अगर दो जमाते हैं जिन्हें आप गारंटर्स बना सकते हैं तो वो पीटीआई और पीएमएलएन है, ठीक है, तो बैकफायर तो नहीं किया, किसी हद तक पंजाब जो है वो महफूज रहा, लेकिन लिबरल सेक्शंस की तरफ से बहुत ज्यादा तंग नहीं, लेकिन उनके वोट उतने नहीं है ना। अब मसला यह है कि सेंटर में भी आप बैठे हैं, अब पंजाब में भी बैठे हैं, अब आपका अगर आप टेररिज्म को नहीं मैनेज कर सकते और वही हालात रहते हैं जो पिछले हफ्ते या जनवरी में रहे हैं, फिर आपके पास ये सोल्यूशन नहीं है कि अच्छा जी ये तो कोई और गवर्नमेंट बैठी हुई थी, अगर हम बैठे होते तो हम ये सारी चीजें देख लेते, सो सारा जिम्मा उनका है। वैसे भी पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी नजर आ रही है आपको पंजाब के अंदर? पंजाब के अंदर पीटीआई की तो स्ट्रेटजी एक तो सिंपल स्ट्रेटजी
मेरे ख्याल में पीटीआई की एक मेरा ख्याल है नेशनल स्ट्रेटजी बन रही है, एक तो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है। मेरा ख्याल है कि पीटीआई की एक बहुत बड़ा जो स्ट्रेटजिक प्लान है वो ये है कि जो इलेक्शन 2013 में हुए ये टोटली फेयर नहीं थे, और अगर ये फेयर होते तो हमें 20-25 सीटें और मिल जाती, इसीलिए वो चार नशिस्तों पर शोर मचाते हैं। उनको कोई उम्मीद नहीं है कि इसका कुछ होगा रिजल्ट, वरना वो डॉक्टर साहब इलेक्शन को क्वेश्चन करना आइंदा की स्ट्रेटजी तो नहीं हो सकती ना, इलेक्शन को तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई एक काम बहुत इफेक्टिवली कर रही है, वो अपनी फेलियर जो है 2013 के इलेक्शन की, जो कम से कम उन्हें 3 सूबों में हुई, पंजाब में किसी हद तक, लेकिन फिर भी पंजाब में सीटें जीते प्रोविंशियल असेंबली में, क्या कर रहे हैं यार सिंध में, क्या कर लिया इन्होंने कराची में, क्या मैं ये कह रहा हूं ना, सिंध में और बलोचिस्तान में तो वॉश आउट हो गए ना, वॉश आउट हो गए। तो ये अब अभी आपको पिछले हफ्ते एक्सप्रेस की ही खबर थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये सूरी साहब जो थे प्रेसिडेंट को फारिग कर दिया, उन्हें फायर किया इन्होंने 7 महीने के बाद, बलोचिस्तान में फारिग हो गए, कराची में इनको तुके का वोट मिल गया जो एंटी एमक्यूएम वोट था, सिंध में इनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब का अपना एक ट्रेडिशनल वोट बैंक था उमरकोट में, वहां से भी कुछ नहीं निकला। नहीं तो इन्होंने क्या किया, इनका सारा फोकस जो है क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, क्या किया तो हो गया, हार गए, क्या कर रहे हैं। चले मेरा सवाल देखें, एक इनका सारा ये फोकस बड़ा अच्छा टाइम है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर और पंजाब पे है, कोई प्रेजेंस सुन तो लेना डॉक्टर साहब, देखें ये 6 महीने 7 महीने हुए इलेक्शन को, ये बड़ा अच्छा टाइम है रीऑर्गेनाइज करने का, अभी तक आपके पास अगर कहीं पर पावर है तो है, आप इन गलतियों से सीख के अगला इलेक्शन दूर है बिल्ड कर सकते हैं। सो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी नजर आ रही है जिसने बलोचिस्तान गए, इलेक्टेड लीडरशिप जिसने नहीं परफॉर्म किया, एक इनकी सिलेक्ट कमेटी थी जिसने ये कंक्लूड किया कि 2012 में हमारी 37% थी यहां पे पॉपुलैरिटी, अब 0% हो गई है, तो सूरी साहब को फारिग कर दिया। सिंध में शाह महमूद कुरैशी साहब की सुपरविजन के अंदर वो नादिर लगारी साहब हैं अभी भी मौजूद, लेकिन वो उसे वहां पर भी उनकी सुपरविजन में एक रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। ये हो सकेगी नहीं हो सकेगी वो एक अलहदा बात है, लेकिन एक अच्छे टाइम के ऊपर ये करने जा रहे हैं ताकि एक इफेक्टिव रीऑर्गेनाइजेशन कम अज कम इन 2 सूबों में हो जाए और उसके बाद उसके ऊपर बिल्ड कर सके। अच्छा मैं केपी में ऑब्वियसली इनकी और प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं अच्छा आपसे एग्री करता हूं, क्योंकि इसको हम इसकी पॉलिटिक्स को देख रहे थे, मैंने बिलावल का जैसे आपको बताया मैं आज सारा दिन लगा हुआ ये देख रहा था, इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है वो बड़ा ऑर्गेनाइज है, मुझे शक है कि इमरान खान साहब उसको खुद मैनेज नहीं करते, उसको कोई और प्रोफेशनली मैनेज करता है, तकरीबन 8-9 लाख लोग ऐसी अच्छी अच्छाई की आपको इमरान खान साहब से उम्मीद नहीं है या कोई फर्क उसमें ये नजर आता है कि ये बड़ा स्ट्रक्चर्ड है, उसमें से पॉलिसी डायरेक्शन निकलती है कि खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ 17 लोगों को ये फॉलो करते हैं और सिर्फ इन्होंने 1700-1800 ट्वीट आज तक किए हैं और 8-9 लाख लोग जो हैं वो इनको फॉलो करते हैं, लेकिन इनके ट्वीट्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की परफॉर्मेंस, हेल्थ पॉलिसी, पोलियो वैक्सीनेशन, दहशतगर्दी के हमलों की कंडमनेशन, और एक इनका जो ट्वीट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि बन्नू के बाद इन्होंने ये कहा कि अगर इस किस्म के हमले टीटीपी की तरफ से होते रहे तो एपीसी में हमारा जो मैंडेट था अमन का, पीस का, ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अच्छा इनके साथ मैंने तीसरा देखा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो था और बिलावल का जिसमें आपको पहले बताया, उनका पर्सनल है, वो खुद मैनेज करती हैं, उसमें से कोई क्लियर पॉलिसी डायरेक्टिव जो है हमें नजर नहीं आता पीएमएलएन का, वो या तो नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ करती हैं या जनरली वाइज बातें करती हैं और बाकी सारे लोग जो हैं वो उनका ताकुब कर रहे हैं, उनको इंप्रेस अपॉन करके उनसे पर्सनल कॉन्टेक्ट हासिल करने के लिए कि जो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो बहुत है ना मरियम जो है वो प्राइम मिनिस्टर, वो ठीक है वो अब ये जो स्कीम है ये इसमें वो लोन्स वाली स्कीम में कर रही है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, उनका और कोई पब्लिक ऑफिस उस तरह से तो नहीं है ना, उनका यूथ का है ना रिंग, 2.5 लाख लोग उनको फॉलो नहीं, लेकिन इमरान खान और उनका बड़ा फर्क है ना, इमरान खान तो जब अभी नई भी पार्टी आई थी तो उस वक्त भी मेरा ख्याल है सबसे हाईएस्ट फॉलोड इनका अकाउंट था, मेरा ख्याल है 500,000 उस वक्त भी इन्हें फॉलो करता था जब ये इलेक्शन से पहले की बात है, अब मजीद भी बढ़ गया होगा और ठीक बात है, अब गपशप के लिए तो एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड ट्विटर को नहीं यूज कर सकता, मुझे ये शक है कि ये तमाम सियासी जमातें वैसे तो सोशल मीडिया को कंडेम करती हैं, कहती हैं मम्मी डैडी वेस्टर्नाइज ऑल दैट, लेकिन तमाम सियासी जमातों को एहसास है कि अगले आने वाले इलेक्शन तक सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, नाज़िम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। नाज़िम वेलकम बैक जनाब बाबर साहब। डॉक्टर साहब देखिए केपी मेरा ख्याल है बड़ा रेलिवेंट है यहां पर, क्यों किस सेंस, क्योंकि एक चैलेंज है ना, एक मुश्किल सूबा है, वो आप जीत गए, उस सूबे की एक अपनी हिस्ट्री है, अगर आपने परफॉर्म करके दिखा दिया, उसने इससे पहले भी कभी किसी को रीइलेक्ट नहीं किया पिछले इतने इलेक्शंस के अंदर, हर दफा कोई किसी नई जमात को उसने मौका दिया है। हाँ, मिजाज ऐसा, अगर मिजाज ऐसा है स्पेशली पिशावर वैली का, अगर आप इसे शोकेस नहीं कर सकते तो अगला इलेक्शन आप लोगों के पास
क्या मुंह लेके जाएंगे? शोकेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए ना, दो मेरा ख्याल है दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो मुझे लगता है कि ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी परफॉर्मेंस की कोई समझ नहीं आती। एक आधी दफा हमने देखा एहतजाज हुसैन वाली जब या हसन वाली जब वाकया हुआ तो उसके बाद पब्लिकली एक पोलिटिकल पार्टी के लीडर ने कहा कि ये सोए हुए हैं या जो भी है, ये मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं करता था। ट्वीट भी किया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया। ये एहतजाज वाले एहतजाज हसन वाले केस में ये नॉर्मल बात तो नहीं, मैं हिंदुस्तान जा रहा था मैं वापस आया और ये बड़ी बुरी तरह से हैंडल किया। सो उनकी वो एफिशिएंसी, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखें ना, ब्यूरोक्रेसी से और बाकी जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाए हैं, कुछ अच्छी चीजें आ रही हैं, कुछ अच्छे कानून आ रहे हैं। आपका वहां पे एंटी करप्शन लॉ लेके आए, लोकल गवर्नमेंट का लॉ लेके आए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये दोनों कानून कंपैरिजन करते हैं तो कहते हैं पंजाब से बेहतर है। राइट टू सर्विसेज की बात हो रही है वहां पे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ की बात हो रही है, एक पूरा एक सेटअप लेके आ रहे हैं। FIR उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया, पुलिस के सिस्टम को कहते हैं। इस सारी चीज को, गवर्नेंस को आपने पॉलिटिकली पैकेज करना ना फिर। लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल टीम कमजोर है जो उसे पैकेज करके उसमें से वो बेनिफिट्स नहीं लेके आ सकती कि जी कोई तब्दीली आ रही है कि नहीं आ रही, मेरा ख्याल है एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा टेररिज्म का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी मेरे जैसे लोग, और मैं मेरे ख्याल में बहुत सपोर्ट करता हूं इमरान खान, एक साफ सियासतदान आए, आपने कहा एक नई पॉलिटिकल पार्टी इवॉल्व हो रही है, उन्होंने पार्टी में इलेक्शन कराया, सब कुछ करवाया, लेकिन अगर आप टेररिज्म जैसे बेसिक इशू को जिससे अगर आप हल नहीं करेंगे तो ये मुल्क कहीं पे भी नहीं जाएगा आगे। पहले मैं उसमें थोड़ा सा कनेक्ट करूं उसके साथ लाके, कि वो है ना ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम अनीस ठेस ना लग जाए आप गिनों को, क्योंकि जिनका मैं नाम ले लगा वो आपके भी दोस्त हैं मेरे भी दोस्त हैं। एक एतराज ये है कि असद उमर साहब और जहांगीर तरीन साहब दोनों हमारे अच्छे जानने वाले हैं, वो दोनों खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के ऊपर सवारी करते हैं और बहुत ज्यादा उनको डायरेक्शन यहाँ से मिलती हैं बनीगाला से। यानी कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो इतने इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस नहीं है, उनको ऊपर इमरान खान, जहांगीर तरीन और असद उमर जो है उनको मुसलसल डायरेक्शंस दे रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब, मुझे ठीक है ये हो सकता है ख्याल खातिर अहबाब चाहिए, हाँ, लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि अगर इस पार्टी में कोई दो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं या जिन्होंने अपने अपने तरह से इफेक्टिव काम करके दिखाया परफॉर्मेंस की अपनी अपनी जिंदगी में, तो वो जहांगीर तरीन है और असद उमर है। ठीक है, ये तो बात समझ आ गई। इंडिपेंडेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। मसला ये है कि आप, लेकिन एज अ पॉलिटिकल मैटर, एक मिनट, ये मुझे फीलिंग है, हाँ नहीं, मैं एग्री करता हूँ कि इसके ऊपर बातचीत होती रहती है। अब आप ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि जनाब इलेक्शन तो हम जीते हैं, हमें कोई क्यों कहे, लेकिन पार्टीज इस तरह तो फंक्शन नहीं करती ना। अगर पीटीआई को मार पड़ती है केपी के अंदर, उसका अगर अच्छा करते हैं तो बेनिफिट सारी पीटीआई को है पाकिस्तान में, अगर बुरा करते हैं तो नुकसान। क्या ये कहना सही होगा कि पीटीआई ने एक नया मॉडल एस्टेब्लिश किया है कि पार्टी रन कर रही है, मतलब इट्स नॉट लाइक इंडिविजुअल्स जो है रन कर रहे हैं, पार्टी रन कर रही है पाकिस्तान? ये नया मॉडल तो नहीं, देखिए पार्टी इस लिहाज से डिफरेंट है कि पहली पार्टी है जिसने इलेक्शन कराया, ठीक है उसमें इमरान साहब का भी वोट एक डोमिनेंट उनका रोल है, लेकिन एक कोर कमेटी भी बनी हुई है, बाकी चीजें भी हुई है। परवेज खट्टक एज ए सीएम उस तरह से ताकतवर नहीं है जिस तरह से शहबाज शरीफ। डॉक्टर साहब, तो क्या पीपीपी के जो दो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो उस तरह से ताकतवर थे? जरदारी साहब बैठे रन कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब सही है जो है, इससे पहले तो कुछ नहीं थी ना, पिछले 5 साल। नया मॉडल भी इमर्ज कर रहा है ये पार्टी कर रही है। अब हो सकता है अगर इमरान साहब खुद कोई बात करें, इमरान खान तो वो सीएम मान ले, लेकिन अगर कोई कमेटी उन्होंने बनाई हुई है पार्टी की जो कह रही है आप ऐसे करें या वैसे करें तो उसे ना मानते हो, ये तो जाहिर है थोड़ा सा चलता रहता है इंटरफेरेंस। लेकिन अगर केपी की पॉलिटिकल, और नई पार्टी भी तो है ना, अब सीखे की भी गवर्नेंस रन करते करते कि हमने कैसे करना है, उसमें से कुछ लोग ज्यादा तजर्बेकार हैं जिनकी, और कुछ लोग जो है वो कम तजर्बेकार हैं। लेकिन मैं फिर इसी बात के ऊपर खत्म करूंगा डॉक्टर साहब, कि अगर टेररिज्म वाले इशू को इन्होंने ना हैंडल किया, क्योंकि टेररिज्म को सेटल किए बगैर आप गवर्नेंस जितनी मर्जी आप इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करवा लें FIR की, उससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर, और ये सेंस क्रिएट हो रही है कि पेशावर के अंदर जो है वो एक फुटहोल्ड मिल रहा है टेररिस्ट। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हम लोग सब अनफेयर हो जाते हैं पीटीआई के साथ। पीटीआई टेररिज्म के खिलाफ क्या करे जो पूरे पाकिस्तान को लिबरल चैटरिंग क्लासेस को सेटिस्फाई कर सके? वो रहमो करम पे डॉक्टर साहब सिंपैथेटिक नैरेटिव ना क्रिएट करें, आप जस्टिफिकेशन ना क्रिएट करें इस चीज की कि अगर कोई सिटीजन दूसरे सिटीजन को मारता है तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। ख्याल के वो बाबर ऐसा जस्टिफिकेशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए अभी पहली दफा ही है ना, अभी हम ये पिछले हफ्ते जो इन्होंने बयान दिए, एक्सप्लेन करूं ना, पिछले हफ्ते तो पहली दफा ही बयान दिया ना कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमें, पहली दफा, इससे पहले तो नाम लेके कंडेम नहीं किया था। आप थोड़ा ज्यादा कहना शुरू कर दिए। देखिए दो इश्यूज तो बड़े क्लियर है, पीटीआई की हुकूमत जो है वो रहमो करम पे है, बिकॉज वहाँ वो हालात नहीं है जो इस्लामाबाद या लाहौर के अंदर है, वो ताबड़तोड़ उनके ऊपर हमले होते हैं, उनकी लीडरशिप ही डेसिमेट हो सकती है, एक तो ये फैक्टर है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जंग से हल, इसका कोई सस्टेनेबल देरपा हल नहीं निकल पाएगा, और इस चीज के अंदर वो अपने वोट बैंक को साथ लेकर चल रहे हैं। डॉक्टर साहब ये इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, मैंने आपका इमरान खान वाला इंटरव्यू भी देखा, मैं खाली ये कह रहा हूँ कि फिर आप अपना
आप पूरा अपना मंसूबा बता दें। मैं आपको बता, मैं छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूं। हर सियासी जमात का अपना एक वोट बैंक और बेस होता है, बाहर उसके मुखालिफ होते हैं। क्या सियासी जमात अपने वोट बैंक और बेस को अपने साथ लेकर चल रही है? मेरा ये ख्याल है, मेरा ये एनालिसिस है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोट बैंक को समझा रही है कि हम ठीक कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ बाहर से चैटरिंग क्लासेस ट्विटर पे, लिबरल इस्लामाबाद, पीएमएलएन, पीपीपी, एएनपी उन पे अटैक कर रही है। डॉक्टर साहब, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जब एक पोजीशन ले लेता है तो पार्टी उसे उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं करती, ये नेचर है। नहीं, मैं सेकेंडरी लीडर की बात नहीं, मैं कहता हूं अगर नवाज शरीफ साहब एक पोजीशन लेते हैं तो आप देखेंगे कि पीएमएलएन के अंदर जो मर्जी आवाजें हों वो सब उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। इसी तरह इमरान खान साहब एक कैरिज्मेटिक लीडर हैं, एक उनकी यानी वो सब लीडर से अब बाकी पार्टी से उन्होंने बनाई है ये पार्टी। वो जब एक पोजीशन ले लेते हैं और उसके अंदर बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट पोजीशन होती है, कोई अंदर से उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वोट बैंक तो चलेगा उनके साथ। जो फॉलोअर्स हैं वो एक और चीज भी कहते हैं, मैं उसको बड़ा गौर से, वो कहते हैं कि जी इमरान खान को लोग कैसे कंफ्यूज कहते हैं, आप 10 साल की कंसिस्टेंसी देखें, ये वाहिद बंदा है जो वही क्या सही कहता है गलत कहता है, ये वही चीज दोहराता चला रहा है, बाकी सब ने अपनी पोजीशंस बदली। डॉक्टर साहब कंफ्यूज, मेरी रिक्वेस्ट खाली है कि अगर आपके ख्याल में, क्योंकि हमने इस पे भी बात की कि एंटी टेररिज्म पॉलिसी खाली टॉक्स या नो टॉक्स तो नहीं है, फिर अपना डिटेल्ड प्लान बता दें कि मेरे ख्याल में ये 8 कंपोनेंट्स हैं, यानी इनकी पॉलिसी ये है, हमारा अल्टरनेटिव प्लान ये है। खाली ये कहना कि बातचीत से हल हो जाएगा, ये इंटेलेक्चुअली आपको बात समझ नहीं आती। डिटेल प्लान बता दें, बातचीत से हम ये करेंगे और फिर हम आगे ऐसा। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन बाबर, वक्त हमारा बिल्कुल नाज़रीन खत्म हो गया। मकसद आज की डिस्कशन का नाज़रीन ये था कि पाकिस्तानी सियासत के जो बदलते हुए ट्रेंड्स हैं, ट्विटर पे क्या हो रहा है, फेसबुक पे क्या हो रहा है, बाय इलेक्शन से हमें क्या पता चला, उसको थोड़ा सा हम टच अप ऑन करें। जो भी हमने बहस की, आपने देखी, आपका फीडबैक जो है उसके हम मुंतजर रहेंगे। बहुत शुक्रिया।